अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने एवं त्योहारी सीजन में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कराए जाने की मांग को लेकर गनियारी की सैकड़ों महिलाओं ने अपनी नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री के नाम जनदर्शन में दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भिलाई 3 के ग्राम गनियारी में वर्षों से चल रहे अवैध शराब बिक्री और गली मोहल्ले चौक चौराहों में नशेड़ियों का अड्डा बना रहने की शिकायत को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में गनियारी की सैकड़ों महिलाएं छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम दुर्ग कलेक्टर से गुहार लगाई। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने जनदर्शन चौपाल में पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा। पुराना पासवर्ड। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि इस नशे के कारोबार को रोकने शासन प्रशासन कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रहा है। इसके कारण नशेबाजों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, साथ ही इन पर पुलिस का डर भी खत्म हो चुका है, जिसको लेकर प्रशासन से महिलाओं ने गुहार लगाई है कि इन पर लगाम लगाकर गाँव के बच्चों के भविष्य को बचाएं। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ज़्यादातर तो महिला बच्चे सब लोग परेशान हैं, गली मोहल्ले चौक चौराहा में बहुत ज़्यादा धड़ेले से हो रहे ना, शराबियों का दुकान शराबियों का मवाला लगे रहते हैं, इसलिए बच्चियों लोग रास्ते में चलना भी दुर्भर हो गया है उन लोगों का। कब से ऐसी शिकायत है? बहुत दिनों से, कईयों साल हो गए, मतलब 10-15 साल ऐसे, और हम लोग पहला बार है, ऐसा नहीं है, हम लोग कईयों बार मतलब प्रयास किए, थाना में दिए थे और दिए थे कलेक्टर में, अभी नहीं बहुत साल पहले पीछे, मतलब पुलिस क्या करती है उन लोगों को पकड़ कर ले जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं, कार्यवाही कोई करते नहीं है, कुछ कार्यवाही नहीं। हम लोग चाहते हैं कि टोटल हमारे गांव में दारू गांजा ये सब चीज़ बंद हो। सभी की सभी हम लोग ना, हमारे ग्राम गनियारी में अवैध दारू बिक्री होता है, हमने थाना में उसका आवेदन कई बार दिए, बाकी कोई कार्यवाही नहीं हो रहा है। गाँव में एकदम खुले हम दारू बिकता है, इससे हमको बहुत आने महिला और बच्चे लोग को आने जाने में बहुत तकलीफ होता है, पी पा के सब जैसे भी पाते वैसे व्यवहार करते हैं, उससे हम लोग पूरा त्रस्त है ग्रामवासी। इस ऐसा चल रहा है ये करीम महोदय जी, आने बहुत दिनों से है, हमने बहुत प्रयास किए, उसका आवेदन भी थाने में दिए, बाकी कोई कार्रवाई नहीं किया गया। आगामी आप लोग क्या करेंगे? हम लोग आगामी अभी तो हम लोग अभी कलेक्टर को आवेदन देने आए हैं, और अगर इसके ऊपर भी नहीं कार्रवाई होता तो हम लोग थाना घेराव कलेक्टर घेराव करने का मन बनाएंगे गांव बैठ के। छोटे छोटे बच्चे लोग को भी ना 5-6 बजे के बाद भी दुकान नहीं भेज सकते हम लोग, लड़की लोग पी खा के वहीं पे गाली गलौज करते हैं, वहीं पे ना बहुत ज़्यादा ही ना भद्र हो जाता है, हम लोग भी ना दुकान नहीं जा पाते ना कहीं सट्टा जुआ। छोटे छोटे बच्चे 10 साल से 11 साल के बच्चे लोग पढ़ाई करना के छोड़ के ये सब में घुसते जा रहे हैं। सर आते हैं एक दिन दो दिन पकड़ेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर उन लोग का काम खत्म हो जाता है, लेकिन ये चल रहा है ना, बंद हो ही नहीं रहा है, हम लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए हैं। सबके घर में अगर कोई मारपीट और ये सब ही चल रहा है, लेडीज लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।